हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होगा जो 1 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के दौरान कुल 22 बैठकें होंगी। 6 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी सरकार का तीसरा बजट सदन में पेश करेंगे। 25 फरवरी को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सदन में अपना अभिभाषण देंगे और सरकार के 1 साल के कार्यों को सदन में रखेंगे। बजट सत्र की तैयारियों को विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चकाचौंध बनाए रखने के निर्देश दिए। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने बताया कि 25 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण सदन में होना है और 26 फरवरी को विधानसभा में अध्यक्ष का चुनाव होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सहमति से विधानसभा अध्यक्ष को चुना जाएगा। रूटीन की मीटिंग थी, लेकिन इसमें हमने कहा कि इस बार यहाँ ड्यूरिंग द बजट सत्र काफ़ी कंजेशन रहता है, ट्रैफिक है और अंदर पासेज किसको अलाउ हुए हैं वो सारी व्यवस्थाएं देखनी है, तो हमने बैठक की है और उसमें जो जिनका जो जिस तरह का प्रोटोकॉल रहता है, किसको पासेज हुए नहीं हुए वो सारा देखना है और किसी तरह की अव्यवस्था ना हो सुरक्षा की दृष्टि से, और विशेष तौर से जो सारे गेट हैं और विधानसभा का जो परिसर है उसमें सुरक्षा चाक चौबंद हो। मंत्रियों ने, मान्य विधायकों ने, सब लोगों ने, ऑनरेबल CM साहब ने और मुख्यतः ऑनरेबल गवर्नर साहब ने आना है, तो उसको देखते हुए ये सारी व्यवस्थाएं कैसे हों उसको हमने समीक्षा की है और सुरक्षा व्यवस्था हम लोग सही रखें ये हमने निर्देश दिए। अभी हमारा 25 से शुरू होकर के 1 अप्रैल तक ये बजट सत्र रहेगा और इसमें 22 सिटिंग्स हमने रखी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरी बार बजट पेश कर रहे हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।